सो हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एएस इंस्टीट्यूशन के इस सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास चल रही थी 10th रिवीजन बैच से, उसी का आज लेक्चर नंबर 5 लेकर आए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी लेक्चर नंबर 5 होने वाला है। तो अभी तक जिस किसी ने भी पिछले लेक्चर नहीं दिए हैं, देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके क्लिक करके उस पर देख सकते हैं पिछले लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5। और एक खास बात, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है, वो पहले सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसी पे आपकी क्लासेस की नोटिफिकेशन जाने वाली है और उसी पे एक लिंक जाएगी जिससे आपका फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो हम कंडक्ट करवा रहे हैं वो वहीं पे उसकी लिंक मिलेगी। तो ज़रूर से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। अब टेलीग्राम क्या है? टेलीग्राम है आल स्पेस एएस सर नाम से है, जिसको जरूर से ज्वाइन करना है। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे, क्या पढ़ चुके थे पिछली क्लास में? पढ़ चुके थे मूलों का गुणनफल। मूल मान लिए क्या है? अल्फा बीटा। मूलों का गुणनफल कितना होता है? मूलों का गुणनफल होता है C/A। और मूलों का योगफल कितना होता है वो आप सभी को पता होगा, क्योंकि आपने पिछली क्लास देख रखी है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -B/A। अब इसी पे कुछ क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछे जाते हैं कि जो आपको सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी आती है, लेकिन इस क्लास के बाद आपको जो आने वाली सारी परेशानी है वो सब कुछ दूर होने वाली है। कैसे दूर होने वाली है? जैसे जब कभी आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि 1/α + 1/β का मान क्या होगा, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई आपको ax2 + bx + c = 0, ये मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन है, और आपसे पूछा जाए कि α 1/α + 1/β का मान क्या होगा। तो इसको करना है नंबर वन, तो इसको क्या करना है, हर का लेना है एलसीएम और कर लेना है जैसे फ्रैक्शन में हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा? α + β और α × β। अब आपको जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी तो आपको α + β का मान भी ज्ञात होगा और α × β उसका भी मान आपको पता होगा। तो यहाँ से α + β का मान रखिए, यहाँ आपको α × β का मान रखना है। तो इतनी चीज़ आपको समझ आई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि मूलों का जब इस तरीके से क्या है, इस टाइप से अगर लैंग्वेज में क्या क्वेश्चन बनता है, जैसे आपके वर्ड प्रॉब्लम के बेस्ड पे सवाल आते हैं, उसके रूप में कैसे पूछ सकता है? तो उसके रूप में आपसे पूछेगा क्या कि मूलों के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो इसे क्या लिख देंगे? मूलों के व्युत्क्रम का योग, व्युत्क्रम का योग क्या होगा? वो होगा α + β / α × β। α + β क्या होता है? α + β होता है -B/A, और α × β क्या होता है? ये होता है C/A। तो A से A कैंसिल, बचा गया आपके पास -B/C। ये क्या हो जाएगा? मूलों के व्युत्क्रमों का योग। लेकिन जब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि मूलों के व्युत्क्रमों का गुणनफल, तब क्या करना है? मूलों के व्युत्क्रम का गुणनफल। तो मूल पहली बात, मूल क्या है? α + β, α, β, ठीक। और इनके व्युत्क्रम, तो इनका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/α, और एक दूसरे मूल का क्या होगा व्युत्क्रम? 1/β। अब इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई पूछ रहा है, योग नहीं मल्टीप्लाई। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1/α × β, जो भी आपको पता है क्या होगा? 1/C/A। तो इसका आंसर क्या होगा? A/C। जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप? C/A/C, ना कि आप इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन क्या है, जब आपसे ये पूछा जाए कि वन लीनियर क्वेश्चन हो तब भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो इस फॉर्मूले को लिखना है, फिर इसके बाद आपको ये वाला लिखना है स्टेप, फिर इसके बाद आपको डायरेक्ट आंसर टिक कर देना है, ठीक है? इतनी चीज़ समझ में आई। अब आपसे क्या पूछता है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या करता है एग्जामिनर कि आपसे पूछता है मूलों के व्युत्क्रम के वर्गों का योगफल क्या होगा, मूलों के व्युत्क्रम के वर्गों का योग। तो मूल क्या है, इसके वर्गों का योग, वर्गों का वर्ग क्या होंगे? 1/α² + 1/β². अब इनके योगफल का योग, इनके योगफल का मान कितना होगा? तो इसका योगफल करेंगे 1/α² + 1/β². सेम उसी तरीके से हर को सॉल्व करेंगे, हर को समान करेंगे तो क्या होगा? α² + β² अपॉन में क्या हो जाएगा? α × β² होल स्क्वायर। अब ये एक चीज जो है α² + β² यानी मूलों के वर्गों का योगफल, तो इसको आप अलग से एक स्टार बना के लिख लीजिए, क्योंकि इससे भी एक सवाल पूछ लेता है कि कभी कभी एग्जाम ना, तो क्या होगा? α² + β² इसका मान क्या होगा? तो आपने क्या पढ़ा है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, आप सभी को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार हम भी इसको ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाए तो किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इस चीज़ की क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें, हमें क्या दे रखा है, देखिए इसी में देख लिया, हमें ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पानी जी ये दे रखा है हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमको बनाना क्या है, अब इसको मान निकालना है, हमें पता क्या है ए इंटू अल्फा इंटू बीटा पता है अल्फा प्लस बीटा, तो इसको अगर इस ये है इसके उधर कर दिया जाए जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी कर दिया जाए तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी क्या लिख देंगे हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू ए टू अल्फा इंटू बीटा। अब आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पता है क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी अपॉन ए इसका होल स्क्वायर माइनस टू ए बी टू अल्फा इंटू बीटा, टू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। अब ठीक इसी प्रकार ये चीज़ तो देख लिया, अब इसका मान क्या निकला हमारे पास, इसका मान हमारे पास निकला, इसका मान निकला हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अच्छा ऊपर साफ करके लिख देता है क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे लिख दिया जाए इसका मान, अच्छा ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने है? तो इसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा इसके मतलब ये यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बटे में क्या होगा माइनस टू अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, इसको आप उसी बेस में चेंज कर लेना और इसको लिख लेना। तो कॉन्सेप्ट तो देख लिया, अब इसी बेस करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है एक क्वाड्रेटिक समीकरण इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके आपको हम कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको कुछ आंसर देने हैं। सबसे पहले आपको देना है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में छापिए, वीडियो को पॉज करके फटाफट से कमेंट में आंसर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा वन अपॉन अल्फा इंटू वन अपॉन बीटा का मान फटाफट से, और जो भी पहले आंसर देगा उसका कमेंट जो है पिन किया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर, इतने क्वेश्चन के आंसर करिए फटाफट से। चलो चलिए फिर अल्फा प्लस बीटा के बीटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी कंपेयर करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जब इससे आप कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू कितना आएगा, ए इज इक्वल टू टू, बी इज इक्वल टू वन और सी इज इक्वल टू माइनस फोर, इतनी चीज इतनी बात आपको समझ में आई। फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, तो मान लीजिए बी का मान एक माइनस एक और ए का मान दो, तो अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है माइनस एक बटे है, जिसका भी है सही आए वो सही क्लिक कर दे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, सी का मान कितना है माइनस फोर, ए का मान कितना है टू, काटिए कितना आया माइनस टू, किसका सही आया अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या बताया था, ये बताया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, करिए इसको। तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये हमने बता दिया था क्या होता है, ये होता है माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर और माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, तो यानी ये क्या हो जाएगा टू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर टू सी अपॉन ए, इसका करेंगे तो बी अपॉन ए, बी का मान कितना है, बी का मान एक, एक का स्क्वायर एक और सी ए का मान कितना है, ए का मान है दो, दो का स्क्वायर चार माइनस टू, सी का मान कितना है माइनस चार और ए का मान कितना है दो, ठीक है तो इसको सॉल्व करिए वन बाई, यहाँ आपको दिख नहीं रहेगा ये साफ करते हैं, इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं क्या है वन बाई फोर माइनस माइनस प्लस एट बाई टू, जब हर समान करेंगे तो कितना होएगा, ये होएगा 16 प्लस एक अपॉन फोर यानी 17 बटे चार, किस किस का आंसर सही आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस वन अपॉन बीटा स्क्वायर, इसकी क्या बताया था मैंने अभी, अभी बताया था मैंने कि क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा
अपॉन कितना है, अपॉन अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये चीज पता है आपको, अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है, ये होता है सी अपॉन सॉरी माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए और अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। चलिए मान रखिए इसका बी का मान कितना है, बी का मान है एक, एक और ए का मान दो, दो का स्क्वायर चार माइनस, अरे सीधे सीधे अभी सॉल्व कर सकते हैं उसी का मान रखते हैं कितना है सत्रह बटे चार और सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, सी का मान कितना है माइनस चार और ए का मान कितना है दो, दो से कट करेंगे कितना आएगा दो, दो का स्क्वायर चार, चार चार से इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा सत्रह बटे सोलह। ये इसका आंसर है। अभी तक हमने इसका सही भी कर लिया और प्रैक्टिस भी कर ली, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया, अब कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हैं, ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करके चैप्टर को आज ही खत्म करना है। तो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए दो चीज़ें आप ध्यान रखिए। सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता है क्या आती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, इसको कुछ नहीं करना, आपको पता है मूलों का योग पता है, मूलों का गुणनफल पता है, तो उसी बेस पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है एक्स स्क्वायर जिसमें भी जिस चर में पूछे, अगर वाई चर में पूछे तो वाई चर में, एक्स चर में पूछे तो एक्स चर में और जेड चर में पूछे तो जेड चर में। तो एक्स स्क्वायर एक्स चर में ले रहे हैं माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल बराबर जीरो। और इसी को अगर अल्फा बीटा में लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी कि मूलों जो द्विघात समीकरण का फॉर्मेशन। अब आपसे सवाल किस प्रकार पूछेगा, आपसे सवाल इस प्रकार से पूछेगा कि किसी द्विघात समीकरण के, जैसे क्वेश्चन पूछेगा किसी द्विघात समीकरण के मूल, इसमें क्या है मूल गिवन होंगे, मूल गिवन होंगे, जब मूल गिवन हो तब मूल 5.6 हो तो इक्वेशन ज्ञात कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, इक्वेशन के एक्स चर में लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस फिर मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा करना है तो कितना होएगा 5, इधर एक्स और ऐड कर लेना 5+6 इंटू एक्स प्लस 6×5 इक्वल टू जीरो। तो करिए तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बन गया हमारा द्विघात समीकरण। और एक तरीका और है, एक तरीका सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड ये है कि आपको सबसे पहले एक ब्रैकेट में अल्फा एक मूल और अगले ब्रैकेट में अल्फा एक्स माइनस बीटा दूसरा मूल इज इक्वल टू जीरो, अगर इसका भी आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन आपने फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन देख लिया है, तो चैप्टर को करते हैं यहीं पे समाप्त। जो भी आपके डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपके आंसर देने की पूरी तरह कोशिश करूँगा।